equation of the base, equation of the base of an equilateral triangle. कौन सा ट्रेंगल है बेटे? Equilateral triangle is, क्या दिया हुआ है बच्चे? X plus y is equal to 2 and the vertex is, और उसका vertex? 2, -1. Then find the length of side of the triangle. Then find the length of the side of triangle. हाँ जी, कौन बताएगा? कैसे हुआ ये? ये बेटे लॉन्ग आंसर है, इतना इजी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना. हाँ जी बोलिए. पहले x plus 2 हमारी जो लाइन है, हम उसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं. चलिए ठीक है, करते हैं ड्रॉ. Okay. इस लाइन को ये कह रही है पहले ड्रॉ कर लो सर, ठीक है? इस लाइन को बनाओ, आपको करवा दिया मैंने, ठीक है? इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस एंड द वर्टेक्स इज दिस, वर्टेक्स का पॉइंट दे दिया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस. तो दूसरे पॉइंट की इससे लेंथ, वर्टेक्स से लेंथ निकाल दी. देखो बेटा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. और 2, -1 तो इधर ही होगा, नीचे होगा. यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में. यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस, आपको उधर से वाई लिख रही है. हाँ, वाई. और ये क्या है? वाई डैश है, ठीक है? ये कौन है? ओरिजिन है. दिख रहा है सबको? अब बेटे हमने क्या बोला, इफ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, उस लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू 2 - x. बेटे उसको उधर ले जाओगे तो ऐसे ही रहेगा, आप इसको उधर भेज दोगे तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? 2 - x. और y इक्वल टू x लाइन ऐसे होती है, ये तो माइनस x ऐसे होती है, ऊपर टू स्टेप ऊपर, माइनस x को टू स्टेप ऊपर, 1, 2. तो यहाँ आप दो डिस्टेंस अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. और ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2, -0. और ये पॉइंट आ जाएगा 0, -2, -1 यहाँ होगा नीचे. वेट करिए, ठीक है? मतलब वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका बेस जो है इस लाइन के ऊपर है, और उसका एक वर्टेक्स जो है वो क्या है? 2, -1 है. तो ये बेटे -1 होगा, ये -2 होगा. तो दिख रहा है सबको? Yes, sir. 2, -1, ये वर्टेक्स यहाँ ही होगा. कट आउट है किसी को? दिख रहा है? तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, है ना? अब बताओ क्या करें, हम लोगों को दिख ही रहा होगा यार, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं. ठीक है बेटे, बिल्कुल निकाल, इसको निकालने से कुछ नहीं होगा बेटे. आप नहीं बच्चे, नो, आपको कुछ भी नहीं पता है अभी, आपको ये नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि लाइन के ऊपर बेस है, आपको पता नहीं बेस कितना बड़ा है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना सर, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी. बच्चे वेट करिए, आप सुनो पहले, इक्वेशन ऑफ द बेस आपने लिखना है, इक्वेशन ऑफ द बेस, इक्वेशन ऑफ द बेस, बेस की इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल्स टू 2 - x. बेस ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या दिया है? 2. इन ट्राइंगल ABD. कौन सा ट्रायंगल? ABD में ट्रायंगल ले लेता हूँ. जरा ध्यान से देखो, मैंने डायग्राम तो बनाया लेकिन एक रफ डायग्राम इधर ध्यान दो. ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है कि नहीं? Yes. कुछ और दिख रहा है क्या? दैट इज अ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है और ये C है. और दैट पॉइंट इज D. ठीक है, आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो. कितना डिग्री है? 90 डिग्री. बेटे कुछ गलत लिखा हमने? आ रहा समझ में? देखो बेटे उसने क्या बोला, हाँ बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री. सभी 60 डिग्री होते हैं, गलत बोला हमने क्या? सही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 30 होंगे. हाँ, ये 30 होंगे. वो छोड़ो उसको, अलग अलग ट्रायंगल में 60 बिल्कुल लगा सकते हैं. ये बेटे क्या है? 2, -1, ये वाला पॉइंट. अरे ये वाला पॉइंट ये जो है 2, -1 है कि नहीं है? और ये दोनों पॉइंट हमें चाहिए, ये दोनों पॉइंट हमें चाहिए, वर्टेक्स चाहिए हमें. तो सबसे पहला काम है हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों मुझे ये बताओ, साइन 60. बेटे हमें ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये साइन 60 क्या होता है? और साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर ये है अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या जाएगा? AD अपॉन AB इक्वल क्या जाएगा? 3/2. ठीक है बेटे, तो ये बताओ AD इक्वल क्या जाएगा?
रूट थ्री ये तो आ जाएगा yes, ये आपने एडी निकाल लिया, यानी कि एक साइड की लेंथ सॉरी ये परपेंडिकुलर की आपने लेंथ निकाल ली, कितनी आई रूट थ्री अपॉन टू ए बी। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, बच्चे जब किसी लाइन की क्वेश्चन दी हो और एक पॉइंट दिया हो तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी आती है हम सबको। ये ए है, ये डी है और ये इस लाइन की क्वेश्चन भी मेरे पास है x + y = 2 - 2 = 0। और ए पॉइंट आप ले सकते हो कोई भी पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब 2 - 1। बेटे वही है ट्रायंगल ही है, देख लो पॉइंट क्लियर है। अब बच्चे हमने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू कॉमा माइनस वन, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है टू द लाइन, लाइन दी हुई है x + y - 2 = 0। तो बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यानी कि निकालनी है तो ए डी इक्वल टू निकालना है, वो होता है ax1 + by1 + c2 = a2। मॉड लगा सकते हो yes, बेटे एडी का मॉड अगर आप सॉल्व करोगे, एडी आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, ax1 यानी कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे ना माइनस टू। बेटे क्या गलत है कुछ? बेटे वो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। माइनस वन आपने पुट कर दिया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कैसे आप 2 का स्क्वायर कैसे कर दिया बच्चे? यहाँ इसका क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटे कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन √2 और पॉजिटिव होता है तो 1 अपॉन √2, यानी कि लेंथ कितनी आ गई परपेंडिकुलर की 1 अपॉन √2, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है sin 45। चलो बच्चों ये बताओ, मैंने उस इक्वेशन में एडी इक्वल टू क्या निकाला था, √3/2 ab निकाला था yes, तो √3/2 ab की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, ओ एडी की जगह, एडी की जगह आप पुट कर दोगे 1/√2 ab, यही आएगा क्या कर रहे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में जाता है वो, तो 1/ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √2 आ जाएगा। अरे बच्चे ab बताओ कितना आएगा, √2/√3 ए भी आ गया √2, अब ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा √2/√3। ए बी की वैल्यू आपने निकाली है √2/√3, यानी कि ये वाली लेंथ हमारी आ गई है, ये वाली लेंथ हमारी आ गई है, कौन सी, ये ए बी आ चुका है। ए बी कितना आ गया आप डायग्राम भी देख सकते हो, मैंने पहले बनाया था, ए बी कितना आ गया बेटे अभी निकाला √2/√3, तो ये तो पूछा उसने, अरे यही पूछा है yes, और इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल तीनों आ जाएंगे, और ये भी लेंथ कितनी आ जाएगी √2/3। बात एक ही है, वो पूरे पे लगा सकते हो आप, पॉइंट क्लियर है yes, अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो बेटे ए वेरिएबल क्वेश्चन इज ए वेरिएबल लाइन She is saying happy birthday. You have to ask कि आपका बर्थडे है। अच्छा हैप्पी बर्थडे इस तक पूछा। एक फिक्स्ड पॉइंट। नहीं मैंने पूछा बर्थडे है, फिर उन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे। सही है। देखें, the algebraic sum आपको नहीं दिया इसमें? मिली मुझे पहले दे दी, सबसे पहले मेरे को सम ऑफ द, नहीं तो ये आप दे सकते हैं, सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, आज जो टॉपर जो कह रहे थे मैंने टॉप किया है ये, तो मैंने कहा भाई अब तो बच्चे ही सब गिफ्ट ले आते हैं, कितना अच्छा होगा जब ज्यादा बच्चे हों, अगर मान लो हमारे क्लास में 400 के करीब बच्चे बैठे हैं या 365 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से किसी एक का जन्मदिन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 365 किसी का भी होगा आपका, समझा रहा है, निकल ही आता है बेटा, तो मैंने कहा फिर मुझे तो गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर इतने बच्चे हो तो फिर डेली किसी ना किसी का निकल आएगा बर्थडे, परफेक्ट बात है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट्स 2, 0 एक दिया है 0, 2 एंड 1, 1 एंड 1, 1
ऑन द लाइन इज जीरो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी. आपको पी पॉइंट के क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए. एक पॉइंट है जिसे लाइन है, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसे बस पास करती है. A variable line passes through a fixed point P. The algebraic sum of the perpendicular drawn from the point this and this and this and this on the line is zero. Algebraic sum समझ रहे हो? Yes. Perpendicular distance को आप mod नहीं लगाओगे इस बार. Plus का आ रहा है तो plus का लोगे, minus का minus. तो सभी को जब जोड़ोगे तो end में क्या आएगा? Zero आ जाएगा. Find the coordinate of the point P. हाँ जी बेटे, देखो मान लेते हैं. Let x1 comma y1 be the coordinate. xy मत लिया करो. ठीक है? क्योंकि वो straight line कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, जो आपका गिवन पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए? एक्स वन वाई वन पॉइंट पी एंड एम बी द स्लोप. एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन. एम क्या है उस लाइन का? स्लोप है. स्लोप है, ठीक है. देयर फोर इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयर फोर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो ये आपका नंबर वन बन गया इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ लाइन ये तो कौन सा फॉर्मूला है? पॉइंट फॉर्मूला. पॉइंट क्लियर है आपको? अब तो याद हो रहे होंगे. गिवन पॉइंट बताओ बेटे कौन सा है? 2.0, 0.2 and 1.1. Given points are 2.0, b 0.2 and 1.1. ये 3 points हैं, ठीक है. और इन 3 points से बेटा ये बताओ perpendicular distance इस लाइन पे हम फिर उससे भी इक्वेशन बन जाएगी. इन डिस्टेंसेस से निकालेंगे फ्रॉम ए 2.0 टू द लाइन. टू द लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू इस डी वन मान लेते हैं. कितना मान लेते हैं? डी वन मान लें. किसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर पहली डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ ये आपका पॉइंट है बच्चे 2.0. इस पॉइंट से इसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉप किया है? परपेंडिकुलर. तो मैं ये डी वन निकाल रहा हूँ, ठीक है. जो डी वन होगा वो आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ, मॉड मैंने नहीं लिया. पॉइंट क्लियर है? उसने अरे ये बोला है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. आ रहा समझ में? प्लस माइनस आप लोगे. यानी कि सबसे पहले एक्स वन और वाई वन भी आपके पास है और जो लाइन की क्वेश्चन है उसको जरा सही मॉडिफाई करोगे जरा पहले उस लाइन की क्वेश्चन को. इसलिए हम कौन से मल्टीप्लाई करते हैं? मतलब इस फॉर्म में लेके आओ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म. नहीं बना ए एक्स प्लस बी वाई वाली इस फॉर्म में लेके आओ. वाई माइनस वाई वन इक्वल एक्स माइनस एम एक्स वन. बुला लें इसको इधर. वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू वाई वन माइनस एम एक्स वन. ये आएगा बच्चे? तो ये आएगा वाई माइनस एम एक्स माइनस वाई वन प्लस एम एक्स वन इक्वल टू जीरो. कोई डाउट है किसी को? बेटे ये लाइन की इक्वेशन आई है तो इस लाइन की इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो. उसमें आप पुट कर दोगे वैल्यू सारी? वैल्यू तो पुट कर दिया. देखो कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है. एक्स एक्स को साथ में रखो. एक्स वाले साथ में रखो ना. वाई वाले ये एम एक्स है ना. एक एम एक्स गायब हो गया शायद. वाई माइनस वाई वन तो एक्स वाले. ये तो एक्स वन है ना बेटे, तो उसको क्या लेने की नीड है? ये तो पूरा सी है ना. ये पूरा सी है. वो पूरा सी है बच्चे. आगे समझ में? देखो बेटे अब आपने क्या करना है, पहले मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है. मैं लिखता हूँ एम एक्स. यहाँ एक्स वन पुट करोगे ना आप? मतलब पॉइंट पुट करोगे. कितना पुट करोगे? टू पुट करोगे, ठीक है. और फिर माइनस वाई वन. वाई वन बोलो कितना पुट करोगे आप? जीरो. वो तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की नीड ही नहीं है भाई, ठीक है. जीरो प्लस सी वाई वन माइनस वाई वन प्लस एमएक्स माइनस वाई वन प्लस एमएक्स वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी कि वन का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? तो बेटे इसको सॉल्व करना आएगा हमें. तो ये सॉल्व करो तो क्या आएगा? माइनस का वाई वन, माइनस का वाई वन और एम आप कॉमन ले लो दोनों में से. एम अरे वाई वन माइनस वाई से बचा क्या? दोनों में से कॉमन ले लो. क्या आएगा भाई? एम कॉमन ले लो. माइनस का क्या कॉमन लिया आपने? एम. अंदर आएगा टू माइनस एक्स वन. बेटे आप माइनस कॉमन लेने के बाद अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर. ये कौन आ रहा है? डी वन आ रहा है. नहीं समझ आया? अरे बोलो बच्चों. डी वन अब आप बताओ. यस यू पीपल
आप बताओ डी टू कैसे निकालेंगे? डी टू मतलब दूसरी डिस्टेंस। हाँ, हम यहाँ पे दूसरा जो हमें पॉइंट दिए 0.2 वो पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट है मतलब 0.02 0.2 था, 0.2 है। सॉरी बेटे, 0.2 दिमाग खराब है, कोई बात नहीं, खेलो ध्यान दो। क्या पता क्वेश्चन में रॉन्ग, कोई बात नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग ही है, ये डी टू है और लाइन की इक्वेशन हमारी, फिर से मैं लिखूं लाइन की इक्वेशन को दोबारा से, -y(-mx) - -y1 + (mx1) = 0 ठीक है। तो इसको थोड़ा ना मॉडिफाई करो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा mx - y, माइनस से मल्टीप्लाई किया ये प्लस का y बना जाएगा, -mx1 = क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका a1x + b1y और ये c है पूरा, ठीक है। तो आपको दिख गया सबको, तो अब मैंने मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सही लगेगा है ना। आप देखो पुट करते हैं, d2 निकालते हैं, d2 आएगा वही फार्मूला फिर से चलेगा, सीवन ना बोला करो, सीवन नहीं होता यहाँ, a² + b² हाँ क्या कह रहे हो आप, ये तो 0 हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रही है, ये तो पहले 0 हो जाएगा, ये -2 और ये वाला पूरा 0 हो गया, तो ये बचेगा। बोलो बच्चों, ठीक है, तो ये बताओ कितना आएगा बेटे, देखो ये क्या है, b, b कितना है माइनस मतलब 1 है, 2 + c कितना है y1 - mx1 अपॉन में क्या आएगा √a² + b² + 1 वो तो सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो d2 भी आ गया हमारा, d2 कितना है बेटे, लाइक ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाला ये सारे 6 मार्क्स वाले चल रहे हैं, ये प्लस वन में 6 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है ना सर। अब बताओ क्या आएगा, ये इसको सॉल्व तो कर दो आगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किसको इक्वेशन तो अच्छा क्यों बनाना है इसको, ज्यादा कुछ कहीं गड़बड़ हो, ये क्या जरा चेक करना, d2 में 2 - y1 सही है ना, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था शायद इसीलिए, नहीं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सही है, ठीक है, अल्जेब्रिक सम आपका सेम ही आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि फिर ऊपर वाला पूरा माइनस का आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जाएगा, चलो माइनस से मल्टीप्लाई करो, जरा क्या आएगा 2 - y1 + mx1 + mx2 चलो माइनस से मल्टीप्लाई ना ही करो, ठीक है, क्योंकि अंडर के बाद प्लस माइनस होता है, वैसे ही रहने दो, जैसे सभी आ रहे हैं तो एक ही फॉर्म लो, फिर ऐसा नहीं दूसरे वाले के लिए माइनस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। d3 निकाल, d3 देखो बेटे क्या आएगा, 1.1 है ना, तो 1.1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल दी है, लाइन की इक्वेशन है y - mx - y1 + mx1 वेट करिए बेटे, नो बच्चे ये देखिए ये d3 है, ठीक है। अब d3 निकालते हैं बेटे, अगर आप इससे घबरा रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है आपसे, ठीक है, थोड़ा कोशिश किया करो, लिख लिया दोबारा। अब देखो बेटे 1 पुट करो, यहाँ भी 1 पुट करो, क्या आएगा, 1 पुट करना है, 1 - m और फिर -y1 + mx1 अब और में क्या आएगा, 1 + m² तो ये क्या आ गया 1 - y1 हाँ। और m कॉमन ले लो क्या, माइनस एम ले लो, अंतर क्या आएगा 1 - x1 बेटे करके देख लो, अपॉन √1 + m² ये d3 आ गया, d1 भी आ गया, d2 भी आ गया, d3 भी आ गया, सबका सम क्या कर देना है 0। तो देखो बेटे मैं सभी का सम 0 करने जा रहा हूँ, देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आएगा d1 + d2 + d3 = 0 ये सभी को 0 करें, yes, तो पहला वाला है बेटे माइनस, उसको मैंने सॉल्व किया तो -y1 - m × 2 - x1 ऐसे आया था, yes, अपॉन √1 + m² और d2 कितना आया था बच्चे, d2 बोलो 2 - y1 - m + mx1 आया था है ना, अपॉन में क्या आया √1 + m², ठीक है। और थर्ड वाला बोलो 1 - y1 - m + mx1 ये है ना, अपॉन में क्या √1 + m², ठीक है। इन तीनों को जोड़ के क्या करना है 0, डिनोमिनेटर सबका सेम है बच्चे, तो डिनोमिनेटर लेने की नहीं है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ूंगा 1, 2, 3 न्यूमरेटर को जोड़ू, एड करें न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को एड करें जरा, देखो न्यूमरेटर को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा -y1 - 2m + mx1 यही आएगा बच्चे, गलत बोला हमने, इसमें बोलो +2 - y1 + mx1 हाँ जी, फिर नेक्स्ट बोलो बेटे +1 - y1 - m + mx1 यही आएगा बेटे, यस सर, अपॉन
अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और ये खुल के आ जाएगा जीरो। हाँ जी ये माइनस थ्री वाई वन हो गया। हाँ रुक जाइए, हाँ, कोई कटिंग नहीं होने वाली यहाँ, नहीं काट रहे हैं। रुकिए एक मिनट वेट करिए। वन टू थ्री, वन टू थ्री, पता नहीं लगा लोगों को। यस सर, तो ये आ गया माइनस थ्री वाई वन प्लस थ्री एम एक्स वन प्लस थ्री एम एक्स वन, बचा क्या प्लस थ्री। हाँ प्लस थ्री भी बचेगा, माइनस टू एम माइनस थ्री एम दो है। हाँ, आ रहा समझ में, बोलो किसी को डाउट है तो। नो सर, तो ये आएगा ये वाला एम एक्स वन माइनस थ्री कॉमन आके उधर डिवाइड में चला जाएगा तो M, तो वो जीरो ही हो जाएगा। दोनों तो से एम कॉमन आ रहा है। हाँ इनमें से आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है इनमें से, एम एक्स वन माइनस माइनस थ्री एम एक्स वन माइनस वाई वन कैसे आ रहा है। माइनस वाई वन ये सर माइनस थ्री वाई वन था ना, सॉरी बच्चे। हाँ एम एक्स वन माइनस वाई वन थ्री मैंने कॉमन लिया इसमें से, ठीक है। थ्री सभी में से आगे जीरो हो गया, सभी नहीं समझाया। माइनस एम प्लस थ्री प्लस वन मिलेगा, सॉरी बच्चे, है ना, ये समझ आ गया। और इसने बोला एक और बात बोली इसने कि ये वाला पॉइंट इसको क्या कर रहा है ऑन द लाइन जीरो, ये इस लाइन के ऊपर है। सामने एक मिनट मेरी बात सुनिए, ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस इज ऑन द लाइन इज जीरो, ऑन द लाइन इज जीरो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। हमें पी को निकालना है जिससे वो लाइन पास करे, मतलब कि अगर ये जो है वो पॉइंट जो होगा इसे सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट? पी जो पॉइंट होगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया, हाँ वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो कल तो रहा है, ये क्या बात कर रहे हो मतलब तो सर जो, अरे बच्चे ये क्या है आपका, ये तो आपका एक्स वन एक्स वन वाई वन में रिलेशन आया। ये किसमें रिलेशन आया? एक्स वन वाई एक्स वन, मेरी बात सुनो पहले। सिंस द पॉइंट, द पॉइंट कौन, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन सेटिस्फाई, देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। हाँ जी क्यों बोला आपने? बिकॉज वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। हाँ ये वाला पॉइंट वन कॉमा वन अगर आप पुट करोगे या वन आएगा, या वन आएगा, ये दोनों करते हैं सर कैंसिल जीरो हो जाएंगे। वन जो है वो किसके, वो क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने क्या कर दिया, पी पॉइंट निकाल दिया। वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन इज जीरो। बेटे इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इससे हो सकता है, अगर ये लाइन के ऊपर हो तो भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो सकता है। ऑन द लाइन इज जीरो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ये लाइन के ऊपर ही है ये वाला पॉइंट वन कॉमा वन। आगे समझ में, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के क्या आ गए, वन कॉमा वन। और क्या हमने परेशान किया होगा इसलिए बोलना होगा। In what direction should a line be drawn? मतलब किस डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रॉ करें जो कहां से पास करें, वन कॉमा टू से थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू, वन कॉमा टू, ताकि जो ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर हो इंटरसेक्शन और इस डिस्टेंस पे हो अंडर रूट सिक्स, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, विद द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर इज एट ए डिस्टेंस, इज एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिए बच्चे, अंडर रूट सिक्स अपॉन थ्री, डिस्टेंस अंडर रूट सिक्स अपॉन थ्री फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ठीक है बच्चे। देखो बेटे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज तो आपको समझ आ गई होगी इसकी, है ना। इन वट डायरेक्शन शुड ए लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस so that its point of intersection with the line is at a distance of this from the given point। मैं दोनों लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मेरे पास लाइन भी है और एक पॉइंट भी है, मैं दोनों लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। देखो बेटे ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये कौन सी है x एक्सिस, ठीक है ये x एक्सिस है। What is this x dash, that is y, y dash, what is this origin, इन वट डायरेक्शन शुड ए लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू, कौन सा पॉइंट है वन कॉमा टू, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। इस लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे, ये है वाई इक्वल टू फोर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ऐसे होता है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे होगा, फोर डिस्टेंस पॉइंट क्लियर। ये वाली जो लाइन है इसका नाम है माइनस एक्स प्लस फोर,
बेटे इसका ऑब्ट्यूस एंगल है ऑब्वियसली आप अलग होगा, ठीक है। स्लोप भी इसका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है इसका। तो ये जो लाइन है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है, 1,2। देखो बेटे कहाँ होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा, वो बेटे 4 है ना, 1,2 ये यहाँ के 1,2। इसने कहा कि वो लाइन कैसे ड्रॉ करें, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए लाइन बी ड्रॉन, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, देखना, थ्रू द पॉइंट 1,2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करनी चाहिए विद द लाइन, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए इंटरसेक्ट, ठीक है, विद द लाइन दिस इज एट अ डिस्टेंस अंडर सिक्स बाय थ्री। मतलब कि वो लाइन कैसे ड्रॉ करें, मैं मान लेता हूँ वो लाइन ऐसी है, मैंने माना है ऐसे, मान लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ए कॉमा बी, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट बताओ जरा कौन है, 1,2, और ये पॉइंट है ए कॉमा बी, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट 6/3। किसी को कोई डाउट है, नो सर, करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, डिस्टेंस की जगह रूट 6/3। आप एक मिनट खड़े होइए, यस यू पीपल, आप बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हाँ जी, हमारे पास दो पॉइंट है इस लाइन के, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, तो स्लोप बताना है आपने, -1 स्लोप ऑफ लाइन एल, इस वाली लाइन का -1 नहीं, रॉन्ग, इस वाली -1 तो हो गया, मैं इसका पूछ रहा हूँ, आप बताइए, -b/(1-1), बिल्कुल सही है, बैठो, कितना इजी था, आपको इस लाइन का स्लोप पूछा था हमने, यानी कि टेन थीटा आपको बताना चाहिए था और आपको दिखना चाहिए था कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये, तो आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना चाहिए था, बिल्कुल लगाना था, जो मर्जी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नंबर 1 है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, आपने ये निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते तो वेरिएबल 2 होते, इक्वेशन 1 होती, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला, अभी भी डाउट है क्या, अभी भी लोगों को लगता है डाउट चल रहा है, और मुझे गिवन है कि ए बी कितना दिया है, ए बी अंडर रूट 6/3 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना आता है, ए बी कैसे निकालोगे, सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट एक दिया हुआ है 1,2 और एक दिया है a,b, इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकलेगी x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है, ये x1y1 है और ये x2y2 है, तो आप 1-a का होल स्क्वायर लो, भाई a-1 ले लो, प्लस b-2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3, स्क्वायरिंग कर दो ऑन स्क्वायरिंग, सो a स्क्वायर प्लस, रुक जाइए बेटे, अब तो आप बड़ा उत्तेजित हो रहे हो, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, जब मैने स्क्वायर किया तो यहाँ आएगा a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6/9, बेटे ये आ गया, यस सर, अब आप क्या करोगे इसमें, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, a² + 1-2a + 1-2a + 4b है, 6/9 को मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर, चलो 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ कॉमन वगैरह कुछ आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, बच्चों हाँ बोलो बोलो सर, 1 और 4 ए हो गया, 9 इधर ए नहीं, यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा, ए लग रहा है, ए ही आ सकता है, नहीं होगा, बेटे जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, क्योंकि आपका 4 और 1 ऐड हो गया तो 5 आ गया, और 2a को मैंने यहाँ लिख दिया और 4b यहाँ लिखा हुआ है, अब बेटे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आएगा 2/6, सॉरी हाँ 2/3, 3 2 6, 3 3 9, अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 3 बोलिए बेटे क्या आएगा, 3a² + 3b² + 15 - 6ac - 12b इक्वल क्या, 2, ठीक है बच्चे, अब तो 9 कट गए, ठीक है, समझा गया, अच्छा बच्चे ये बताओ, ये तो इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड, अभी इससे बात नहीं बनेगी, एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, देखो बेटे हम सभी बच्चों को ये पता है
कि इस लाइन के ऊपर ए कॉमा बी लाइन बनता है, तो ये ए कॉमा बी इसको सेटिस्फाई, तो ए कॉमा बी उसको सेटिस्फाई कर देगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर। बिल्कुल, पॉइंट ए कॉमा बी सेटिस्फाइज इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, तो इसे पुट करें, फोर यही आएगा। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ से जो वैल्यू आई है वो उठा के इसमें पुट कर दें, तो इसका नंबर थ्री बना देते हैं। ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन टू एंड थ्री, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करोगे? देखो ना बेटे, क्वाड्रेटिक बनेगी और yes, आप चाहें जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर लो, ए आएगा फोर माइनस बी, फुट करें ए की जगह फोर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस फिफ्टीन माइनस ए से इनटू फोर माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ट्वेल्व बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे थ्री इंटू सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर माइनस एट बी प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर है ना, माइनस सिक्स बी प्लस सिक्स बी माइनस ट्वेल्व बी ट्वेल्व बी इज इक्वल टू टू, बेटे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, फोर्टी एट प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा प्लस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर, ये तो कैंसिल हो गई होगा, ये बना है ना प्लस सिक्स बी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू टू, तो थ्री बी स्क्वायर और थ्री बी स्क्वायर एड हो गए सिक्स बी स्क्वायर और माइनस का ट्वेंटी फोर बी, और ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस क्या आएगा थर्टी 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 बी है ना, और फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर कितना होता है, फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी कितना टाइम नाइन, ठीक है नाइन माइनस का नाइन प्लस का फोर्टी एट, सही तो है माइनस फोर्टी एट माइनस नाइन थर्टी नाइन सॉरी नहीं एक मिनट को, फोर्टी एट में से नाइन माइनस किया ना, सही बोल रही है थर्टी नाइन और टू इधर ले आए थर्टी सेवन, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये इक्वेशन कैसे है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा हुआ है, एक फार्मूला जिसका नाम है पंडित आचार्य, कौन सा फार्मूला है वहाँ भी तो उसको लगा सकते हैं, माइनस थर्टी बी थर्टी बी प्लस थर्टी सेवन इक्वल टू थ्री, तो इतना इजी नहीं है आपको सॉल्व ही करना होगा इसको, बी इक्वल टू क्या आएगा थर्टी प्लस माइनस थर्टी स्क्वायर नाइन हंड्रेड माइनस फोर ए सी, सी कितना थर्टी सेवन अपॉन में क्या आएगा टू ए टू ए टू, तो आएगा थर्टी प्लस माइनस अंडर रूट नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी सेवन, करो बच्चे मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी सेवन अपॉन ट्वेल्व, तो ये आएगा थर्टी, बेटे जल्दी फास्ट अंडर रूट नाइन हंड्रेड माइनस ट्रिपल एट आ रहा है, दोबारा चेक कर लो दोबारा चेक कर लो, तो थर्टी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस करो बच्चे जरा नाइन हंड्रेड माइनस ट्रिपल एट, अरे इसमें क्या इतना टाइम लग गया क्या, ये कितना है?